बेबी मैंने घर के सारे काम खत्म कर दिए, चलो शॉपिंग पे चलते, उठो। किस खुशी में? बेबी तुमने ही तो कहा था मुझे इस सैटरडे शॉपिंग के लिए लेके जाओगी, चलो ना। अक्की तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं है? नहीं बेबी, इस तरह की संजीदा चीजें मैं अपने पास नहीं रखता। और बीवी को एटीएम कार्ड समझा हुआ, जब दिल चाहे कैश करवा लिया। नहीं नहीं, कैश की जरूरत नहीं है, तुम कार्ड से वहाँ पेमेंट कर देना। चलो ना जल्दी चलो, बहुत दिनों से तुमने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई। अगर कमाने जाते ना तो पता चलता कि घर से बाहर निकल के कमाना कितना मुश्किल है। अग्रीड अग्रीड, लेकिन घर के सारे काम करना भी कितना मुश्किल है, ये तो देखो। क्या मुश्किल है? घर की सफाई कर ली, खाना बना लिया, डिश वॉशिंग कर ली, कपड़े धो लिए, इसमें कितना टाइम लगता है? 2 घंटे 3 घंटे। अभी बताओ टाइम क्या हो रहा है? 12 बज रहे। 12 बज रहे ना, तुम घर के सारे काम करके 12 बजे फ्री हो गए, और मैं सारे काम खत्म करके वो गेंडे की चिक-चिक सुन के रात के 8 बजे घर पर आती हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेबी, शॉपिंग पे चलते ना तुम फ्रेश हो जाओगी। तुम कभी कमा कर लाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ना। शुक्र करो मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना उस कंगले भिखमंगे दोस्त के साथ घूमते रहते तुम। वरदा अब कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी मेरी? क्यों ना करूं, बस अय्याशी करने आती है, वो भी मेरी मेहनत की कमाई पे। कभी लंच पे चलो, कभी डिनर पे चलो, कभी शॉपिंग। हाँ शॉपिंग तो बहुत जरूरी है ना। अरे बाहर निकलकर भीख मांगो जब पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ेगा ना, वो भी आसान नहीं है। बस घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़नी है, और ये मुफ्त की रोटियां बस कर दो वरदा, बहुत हो गई। मैंने तुमसे शादी ये सब सुनने के लिए नहीं की थी। अब मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो तो बेशरम भी होना पड़ेगा और बातें भी सुननी पड़ेंगी। बेबी तुम्हें अगर शॉपिंग में नहीं लेके जाना तो नहीं लेके जाओ, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। हाँ हाँ तुम्हारे पास कहाँ से टाइम होगा, बड़े शहजादा सलीम हो ना तुम, और शहजादों के पास तो टाइम नहीं होता। एरोगेंट, चुप करो तुम। क्या हुआ चेहरे पे 12 क्यों बजे में? नाश्ता नहीं मिला क्या? मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम्हारे मुंह में वो चिपकने वाला केमिकल डालूं जिससे तुम्हारा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। किसी ने काट लिया है लग रहा है। तुम्हारी बहन ने? फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वही तो तुम्हें पालती है। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है स्वीट? ना भाई ना, ऐसा मत कहो, इस घर का वाहिद चश्मो चिराग मैं हूँ। क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ इसलिए मेरी जानवर वाली औकात है। लेकिन मेरी औकात ऐसी नहीं है, वरदा को पता है कि आज भी लड़कियां लड़कियां। हेलो बेबी। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, घर के अंदर हूँ ना, बाहर जाके बात करता हूँ। किससे बात करो, कौन है फोन पे? तुम्हारी सास से, उनका पेट खराब है, चूरन का फॉर्मूला पूछ रही है। हटो। हाँ बेबी। ओह सारा मुझे भी तो पता चले कौन है ये बेबी। आवे? हाँ बेबी, आज मेरी बीवी ने मेरी बहुत इंसल्ट की। मैंने सारी दुनिया को ठुकरा के उसके साथ शादी की और अब उसको अपने पैसे पे गुरूर आ गया। किसी लड़की से बात कर रहा है? मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि तुम जैसी प्यारी लड़की को ठुकरा दिया। ये क्या कह रहा है? लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं वरदा के साथ नहीं रहूंगा। अनोखा। क्या? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इतना पैसा है कि हम सारी जिंदगी अगर एक आइलैंड पे भी गुजारे तो वो पैसा कभी खत्म नहीं होगा, मैं जानता हूँ। ओए ओए ओए, बड़े बाप की लड़की लग रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं आज इसको छोड़ दूंगा मैं इसे। नहीं ठीक है, बाय। वरदा तुमने क्यों क्या कह दिया है? क्यों, वो खुदकुशी कर रहा है? अरे वो फोन पर बात कर रहा है, अपने कंगले दोस्त रिजवान से कर रहा होगा। नहीं किसी लड़की से यार। कौन लड़की? पता नहीं लेकिन बहुत अमीर है। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन लड़की है तो ये कैसे पता चला कि अमीर है या नहीं? यार उसकी बातों से लग रहा है। ओफो, वो तुम्हें सुनाने के लिए कह रहा होगा। अरे मैं छुप के बात सुन रहा था, उसको कैसे पता कि मैं सुन रहा हूँ? क्या बातें कर रहा था? कह रहा था कि मैं वरदा को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा और सारी जिंदगी आइलैंड पे रहेंगे। लेकिन यार वहाँ तो सब्जी वाला भी नहीं है, खाना कैसे पकाएंगे आइलैंड पर? हाँ हाँ आजकल बड़े बड़े लोग आइलैंड खरीद रहे हैं। तुम्हारा कहना है कि वो लड़की बहुत अमीर है? उसकी बातों से तो ये लग रहा है। मेरी तरफ से वो जाए भाड़ में। क्या कह रही हो यार तुम, अक्की चले जाएगा हमारा क्या होगा? तुम तो उसे हर वक्त घर से निकालने के लिए तैयार रहते थे। अरे नहीं नहीं मैं तो उसकी इंसल्ट करना चाहता था इसलिए। वो जाता है तो जाए, आई डोंट केयर। यार ये क्या हो रहा है? अम्मी अम्मी को बताता हूँ। अम्मी आप यहाँ बैठी और बाहर कयामत आ गई है। कयामत आ गई है? इस कयामत ने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे इंसान की मौत होती है उसकी कयामत। मतलब अम्मी हम मरने वाली हैं? मैंने ये कब कहा अल्लाह ना करे। तो फिर आपने क्या कहा? तुम्हारे जैसे बद अकल की अकल में नहीं आएगी ये बात। आप तो बहुत अकलमंद है ना। जाहिर सी बात है, जिस तरह आपको पापा छोड़ के गए थे ना इसी तरह अक्की वरदा को छोड़ के जा रहा है। हाँ और वो भी किसी अमीर लड़की के पास। क्यों? लगता है वरदा ने उसे जी भर के बेइज्जत कर लिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है अक्की तो बेइज्जती प्रूफ है। अब सोचे कि बेइज्जती प्रूफ का क्या हाल किया होगा उसने।
अगर अक्की चला गया तो हमारे काम कौन करेगा? हाँ, मुलाजमों की फौज रखनी पड़ेगी फिर तो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मुलाजमों की फौज कहाँ से रखेंगे, सारे पैसे उन्हीं पे लगा देंगे, बचेगा कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे तो लगता है वरदा पे किसी ने काला जादू किया है। क्यों, काली होती जा रही है? नहीं, गोरा जादू से क्या गोरे हो जाते? नहीं नहीं, वो तो टीकों का काम होता है। लारे, तुम आ गई? मुझे नहीं पता था मेरी एक कॉल तुम्हें इतना बेचैन कर देगी। तुम मुझे फोन करो और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, और अगर तुम किसी बाहर मुल्क में होती और मैं तुम्हें एक फोन करता तुम आती? नहीं ना। तब तो मैं पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आती। मेरी मोहब्बत में? नहीं, तुम्हें इस अजाब से निजात दिलाने। महंगाई के? वरदा के? मैंने बहुत बड़ी गलती की जो वरदा से शादी कर ली। मैंने ना तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये मिडिल क्लास लड़कियाँ एक ना एक दिन अपना रंग जरूर दिखाती। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। अब वरदा ने अपने असल रंग दिखाने शुरू कर दिए। तुम सिर्फ 4 लाख की सैलरी का सुनकर उसके हो गए थे, मेरे पास करोड़ों की जायदाद है। मैं डर गया था यार, अपना फ्यूचर कैसे बनाता आगे, छोटा आदमी हूँ ना। तो मैं तुम्हें बड़ा आदमी बना देती ना। वरदा ने मुझे घर का नौकर बना दिया। नहीं, ये सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? अरे मैं तुमसे बातें कैसे करता? अब क्या दरवाजे में बातें बनाते रहोगे या मेरे साथ चलोगे भी? अरे एक सेकंड, पहले जरा मैं अपना सामान तो बांध लूं और उस वरदा को बता दूं कि इक्तदार अली खान उर्फ अक्की उसके टुकड़ों पे पलने वाला फकीर नहीं है। मैं भी तो देखूं ये वरदा कौन है। चलो। अच्छा, आ जाओ फिर दिखाता हूं। प्लीज अम्मी जान, ये मेरी फ्रेंड है लारेब। ओ हाय आंटी, हाय टॉमी। ये टॉमी नहीं है, इसका नाम स्वीट है। आई एम सो सॉरी। बेटा ये कौन है और हमारे यहाँ क्या करने आई है? मैं लारेब हूँ आंटी, लारेब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालिक। असल में अक्की ने आज मुझे कॉल किया था और बोला था कि इसकी बीवी इसको बहुत इंसल्ट कर रही है, तो इसलिए मैं इसको लेने आई। नहीं नहीं बेटा, ये तो मियाँ बीवी का आपस का मामला है, हो जाता है सब में कभी कभी। और नहीं तो क्या, मैंने तो वरदा को बहुत दफा समझाया कि अक्की भाई की इज्जत करो, इज्जत। या अल्लाह, क्या आप दोनों मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वो नौकर, गुलाम, आप सबके टुकड़ों पे पलने वाला, ये सब नहीं कह रहे आप लोग? अरे अक्की भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम भला आपको ऐसे कैसे कह सकते हैं? लेकिन वरदा ने बोला है और बहुत कुछ बोला है। उसे तुम्हारी कदर नहीं है ना, तुम बस चलो मेरे साथ। क्या? एक फिशिंग बोट भी है मेरे पास। नहीं, दुनिया के सारे बड़े बड़े शहरों में ना मेरे पास गाड़ियां हैं, घर हैं और प्राइवेट जेट भी है अपना। ओ, बस कर दो लारे, इनको हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे एक होटल भी है। जल्दी चलो यहाँ से। 5-star होटल में फिरता के पास। हाँ हाँ, आप लोग जाएं, मुझे वैसे भी यहाँ आराम से बैठ के लारेब से बहुत सारी बातें करनी है। आओ, प्लीज प्लीज हैव अ सीट। वरदा, तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो गया मुझे बताओ। मेरा कहाँ दिमाग खराब है, आपका लग रहा है मुझे। अपने हीरे जैसे शौहर के साथ तुम ऐसा सुलूक क्यों कर सकती हो? उसने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए और क्या क्या नहीं कर रहा? सुबह से शाम तक हमारी खिदमतों में लगा रहता है और तुम उससे कह रही हो कि अगर तुम उससे शादी नहीं करती तो वो भूखा मर जाता। इसमें क्या झूठ बोला मैंने? बाहर उसकी दोस्त लारेब आई हुई है। वो अरबपति है। अरबपति? अरबपति हो या गरबपति, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? बेवकूफ नादान लड़की, वो अरबों की जायदाद की तन्हा मालिकन है और वो अक्की से शादी करना चाहती है, लेकिन अक्की अक्की ने साफ कह दिया कि नहीं, मैं वरदा से मोहब्बत करता हूँ। ये क्या कह रही है? लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अक्की फैसला कर चुका है कि वो तुम्हें छोड़कर लारे से शादी करेगा क्योंकि तुमने उसका दिल तोड़ा है। ये कैसी घटिया जबान इस्तेमाल की है। घटिया? अगर कोई सुन लेता ना तो उसके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता। अरे उस फूल जैसे बच्चे ने मेरे बर्दाश्त कैसे किया, मुंह पर थप्पड़ लगाता है। तुम्हारे? तुम्हारे। अरे अपने शौहर की कदर करते हैं ना कि उसे उठते बैठते ताने देते। आज बड़ी मोहब्बत जाग रही है अक्की के लिए। अगर वो चला गया तो मेरा चिकन बर्गर कौन बनाएगा और मेरे पैरों पे जैतून के तेल की मालिश कौन करेगा? अरे अगर मेरा शहीद मिर्ची से भड्डा हो गया तो उनको धमकियां कौन देगा? अक्की भाई की वजह से पूरे इलाके में सारे बच्चे मेरा हुक्म मानते हैं। क्या अक्की वाकई मुझे छोड़ के जा रहा है? बारात तैयार है, बस रुसती बाकी है। चलो बेटे, अक्की को रोक लो। अम्मी, अक्की मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मेरी ऐसी दोस्त होती तो मैं तुम्हारी जैसी बीवी को भी छोड़ देता। लेकिन अक्की तुम्हारी तरह नहीं है। तो इसका मतलब है तुम उसे मुंह भर के और दिल भर के जलील करती रहो। मैं भी देखती हूँ अक्की किसी दूसरी औरत के साथ कैसे जाता है। हाँ, देखो देखो, ये तो छोड़ी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मैं वरदा के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुम्हारा प्यार देख ना पाया। अब तो देख लिया ना। तुम इतनी अच्छी हो लारे कि इतनी अमीर होने के बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। अक्की, मैंने लारे का हाथ पकड़ लिया और ये हाथ मैं कभी छोड़ने नहीं वाला। क्या ये वरदा है? मुझे लगा कि बहुत खूबसूरत लड़की होगी। अच्छा, तो तुम कौन सी मिस वर्ल्ड हो? मिस वर्ल्ड तो नहीं, लेकिन वर्ल्ड मेरे हाथों में जरूर है। लारेब का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
और वैसे भी अक्की से शादी करके मैं सारी जायदाद इसके नाम करने ही वाली हूँ। थैंक यू लारे, थैंक यू। ओए होए, तुम घटिया इंसान, पैसे के खातिर मुझे छोड़ के जा रहे हो? इसी पैसे के गुरूर में तुमने मुझे क्या क्या नहीं कहा, जरा सोचो। बिल्कुल ठीक कहा था, अपनी बीवी के आगे किसी और लड़की का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे तुम अभी। ये औरत मुझसे मोहब्बत करती और तुमसे पहले से करती थी, बस मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और तुमसे शादी कर ली और ये वापस चली गई। छोड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये पीले रंग की मोहब्बत। बहुत बदतमीज औरत है ये, इसे तमीज सिखानी पड़ेगी। क्या है, क्यों छेड़ रहे आप लोग मुझे? अरे तुम्हें अक्की से कॉम्प्रोमाइज करने भेजा था, तुम और लड़के आ गई हो उससे। अरे ये तो चाहते हैं कि हम भूखे मर जाएं। मेरी जॉब चली जाए तुम मर जाते हो, अक्की काम ना करे तुम मर जाते हो। एक काम करो, आज अच्छा सबक ढूंढ के तुम मर ही जाओ। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे बेटा, हमारी तो खैर है। सोचो तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हें सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाना पड़ेगा दफ्तर जाने से पहले, तो क्या होगा? जब कपड़ों पे इस्त्री करोगी खुद फिर पता चलेगा। दफ्तर से थकी हारी आओगी, आती रात का खाना बनाओगी, फिर क्या होगा? और जब बाजारों में जाके सब्जी लेकर आओगी फिर पता चलेगा। और किचन के मैले मैले डस्टबिन धोगी तब क्या होगा? बस बस कर दे आप लोग, कोई काम आप लोग भी कर ले। भाई हमें तो काम करने की आदत ही नहीं रही। और बेटा मैं तो बीमार इतनी रहती हूँ कि मुझसे काम होता ही नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, हम कोई मुलाजिम रख लेंगे। सारी तनख्वाहें मुलाजिमों में बांट दोगी क्या? अरे जाओ जाके रोको से। रोको नहीं, माफी भी मांगो। किस बात की माफी? तुमने उसका दिल दुखाया है। और वो भी तो एक गैर औरत का हाथ पकड़ के बैठा है ना। तुम अपना हाथ इस तरह छुड़वाओगी तो दूसरों का हाथ ही पकड़ेगा ना वो। बढ़ता अभी भी वक्त है। अरे फिर मैं स्वीट के लिए उसका हाथ मांगूंगी। फौरन मान जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए। अरे बना ले, मसला थोड़ी है, अब कुंवारा मरने से तो अच्छा ही है। ओए होए। ये सब तो तब होगा ना जब तुम अक्की से माफी मांगोगी। ओके ओके, मांग लूंगी माफी। अक्की को ऊपर भेजो। मैं क्या करूँ क्या करूँ, कैसे मना, मुझे नहीं पता। जाओ माफी मांगो। बेटी तुम इतनी अमीर कबीर हो, तुम्हें तो शहजादा मिल जाएगा, फिर एक कंगले फकीर के आसरे पे क्यों बैठी हो? अरे आंटी, आपने अक्की को कंगला और फकीर क्यों कहा? उससे ज्यादा अमीर इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता। क्या क्या उसकी दौलत अंडरग्राउंड है? वो दिलों पे हुकूमत करता है, उस जैसा दिल किसी का नहीं है। मेरे बेटे स्वीट के पास भी एक अदद प्यारा सा दिल है, मेरा मतलब है स्वीट सा दिल है। अच्छा, मैं तो समझी थी इसके सीने में दिल ही नहीं है, ये बैटरी पे चलता है। अरे मैं बहुत प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला इंसान हूँ, किसी की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे लगता है किसी की खुशी आपसे बर्दाश्त हो भी नहीं सकती। ये तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानती है? ओहो, अगर तुम यहाँ बैठी ये सोच रही हो कि मैं इस फटीचर घर से कुछ लेके जाऊंगा तो भूल जाओ, मैं खाली हाथ जाऊंगा। यार अक्की, तुम ये सब क्या कह रहे हो? अरे मैंने क्या कहा है? कहा तो तुमने, बेशरम बेहया। टेंशन में मुंह से निकल गई ना बात, आई एम सॉरी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो मैं रिजवान के साथ भीख मांग रहा होता। वो तो मैं मजाक कर रही थी ना। और मुफ्त की रोटियां भी तो मैं मजाक में ही तोड़ता हूँ। हर बात को सीरियस मत लिया करो। मैंने कभी सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज तुम अपनी हद से बहुत आगे बढ़ गई हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये क्या कहा तुमने? मुझे डर वर नहीं लग रहा तुमसे, क्योंकि लारेब नीचे ही बैठी हुई है। अक्की देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सर पे जूती मारो और फिर माफी मांग लो। वाह, तुम क्या चाहते हो, दो लफ्ज कहने के जुर्म में अपने आप को मारना शुरू कर दूं? तुम्हारी मर्जी है बेबी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ, मेरी जिंदगी मेरे साथ, मतलब लारेब के साथ। अक्की तुम इतने बेवफा नहीं हो सकते। मैं बेवफा नहीं, तुम बदतमीज हो गई हो। अच्छा अच्छा, देख देख मेरी ठंडे दिमाग से बात सुनो। सोचो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही थी और मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ, है ना? प्यारी लगती थी मैं तुम्हें, है ना? सोचो सोचो। एक मिनट, इससे पहले मैं तुम्हारी इस गुदगुदी के चुंगल में फंस के तुम्हारी मोहब्बत में एक बार और गिरफ्तार हो जाऊं, मैं तुम्हें छोड़ के लारेब के साथ जा रहा हूं। अलविदा वरदा। अक्की 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 मेरा बेटा, तुमने वरदा को माफ कर दिया ना? अम्मी जान, बात माफी से बहुत आगे जा चुकी है। क्या वरदा को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी? मांग ले, नाक रगड़ के भी माफी मांगनी पड़े तो मांग लेनी चाहिए। नहीं नहीं अम्मी जान, वरदा ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। नहीं, गुर्बत का एक ही बात है। आप भी कुछ कहिए ना। अरे आंटी, मैंने तो अक्की से कब से कहा हुआ है कि बस मेरे पास आ जाओ, मैं दुनिया की हर ख्वाहिश इसकी पूरी करूंगी। लेकिन बेटा, मेरी बच्ची की तो दुनिया वीरान हो जाएगी। उसे शौहर नहीं, नौकर चाहिए, कोई भी मिल जाएगा उसे तो। अक्की जैसा नहीं मिल सकता ना। हाँ ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। लारे मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। बाहर मर्सिडीज और शोफर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मर्सिडीज शोफर?
बेटा एक मिनट जाना नहीं अभी आए जाना नहीं जाना नहीं यहीं बैठना है अक्की तुम इधर आओ ना श्योर वरदा यहां बैठिए अम्मी अक्की का दिमाग खराब हो गया है एक लड़की के लिए मुझे छोड़कर जा रहा है तुमने कोई ऐसा काम भी तो नहीं किया कि वो तुम्हारे पास रुके अरे बीवियां होती हैं छुट्टी वाले दिन मियां के साथ बाहर निकलती हैं क्यों किस लिए ये लीजिए अम्मी इसे अब ये भी नहीं पता बेटा ये भी मैं बताऊं तुम्हें अरे 10 काम होते हैं घूमना फिरना होता है बाहर खाना खाना होता है फिल्म देखनी होती है कोई समंदर की सैर अच्छा जब मैं अक्की के साथ बाहर घूमने जाती थी तो आप लोगों के मुंह फूल जाते थे वो इसलिए फूलते थे क्योंकि अक्की खाना बना के नहीं जाता था ना और हमारे मुंह चूसे हुए आम की तरह हो जाते थे हमारा तो अब भी मुंह चूसे हुए आम की तरह ही लग रहा है बेटा ओए होए इस वक्त मैं आप पे जुगत नहीं मारना चाहता हां जुगत मारने के लिए इंसान का बेशरम होना जरूरी है ओफो आप लोग तो लड़ाई बंद करें और ये सोचिए कि अब हमें क्या करना है एक्सरसाइज क्यों क्योंकि अक्की के जाने के बाद घर के काम करने से हमारे मसल्स पुल हो जाएंगे मैं तो कहती हूँ हम सब मिलके अक्की से माफी मांग लेते हैं वो जरूर माफ कर देगा मैं होता तो कभी माफ ना करता क्यों अरे अरबपति वाली पार्टी को छोड़कर 4 लाख वाली पार्टी के पास कौन आता है लेकिन अक्की मेरी मोहब्बत में आ गया था मेरे पास मेरा बच्चा अब भी आ जाएगा तो मोहब्बत का वास्ता तो दो उसे हाँ ना चलो एक और ट्राई करते हैं हाँ चलो 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 शाबाश जल्दी चलो जल्दी ये हमारी मोहब्बत की आगाज की पहली सेल्फी है जो कि बहुत लेट होगी लेकिन तुम फिक्र ना करो हम अब भी बहुत खुश रहेंगे अक्की तुम मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते नहीं बेबी जब से तुमने कहा है ना कि मैं बेशर्म हूं मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूं और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो मैं रिजवान कंगले के साथ भीख मांग रहा होता तब से नहीं ये क्या किया तुमने वरदा रिजवान गरीब को भी अपनी चक्की में पीस दिया उसे भी नहीं बख्शा रिजवान गरीब है कोई बात नहीं काम तो करता है ना काम चोर कोई बात नहीं बस आपस में फूट पड़ गई है देखो अक्की मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती ये कहो कि अक्की के कामों के बिना जिंदा नहीं रह सकती ये तो सच सच बोल रही है कुछ भी नहीं बोला जा रहा ज़बान ही रुक गई है कुछ भी नहीं बोला जा रहा अरे तुम चुप करो ना अक्की बेटा हम सब तुमसे अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हैं हाँ अक्की भाई हम आपसे माफी मांगते हैं आइंदा के बाद मैं क्या हम सब घर वाले आपको बहुत इज्जत देंगे आप लोग ये वादा कई बार तोड़ चुके हैं अच्छा ना इस बार मैं ये वादा कर रही हूँ प्लीज अक्की प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मैं मर जाऊंगी मरे तुम्हारे दुश्मन बेबी अक्की ये वाकई तुमसे मोहब्बत करती है अरे बहुत मोहब्बत करती है अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ भाई हूँ मैं उसका क्या कहा अरे सड़कों का शहंशाह इक्तेदार अली खान और फक्की है ये अक्की दिलों पे राज करता है मेरी बहन के साथ शादी करिए सालों में इसका बस बेबी अब मेरा दिल मत तोड़ना लारे मैं वरदा को नहीं छोड़ सकता मैं इसकी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता मुझे आप दोनों की मोहब्बत देख के ना बहुत खुशी हुई है अक्की मैं चलती हूँ उम्मीद है कि तुम वरदा को बहुत खुश रखोगे थैंक यू लारे आ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ अरे लारे जी मुझे कोई गिफ्ट तो देती जाए आओ 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 छोड़ो आओ थैंक यू लारे तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हल कर दिया कोई बात नहीं एक तो रिजवान मेरा दोस्त है ऊपर से मैं प्रोफेशनल एक्टर भी हूँ उन बेवकूफों ने तो पहचाना तक नहीं मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा तुमने और रिजवान ने बगैर पैसे लिए मेरा काम कर दिया अब तुम खुश हो ना अब तुम्हें घर में कोई जलील नहीं करेगा ना ही तुम्हारी बीवी जलील करेगी अरे अब तो मैं इस घर में बादशाह वाली जिंदगी गुजारूंगा बादशाह वाली अब मैं जाऊं जाओ ओके बाय चलो थैंक यू बाय बादशाह शहजादा सलीम रिजवान की दोस्त प्रोफेशनल एक्ट्रेस अब तुम्हारी बीवी तुम्हें जलील नहीं करेगी आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए इसकी इज्जत आज से क्यों नहीं शुरू की जाए ऑफ कोर्स यस ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।